सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या है, उसको कैसे डील करते, उसके साथ कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैसे कैसे होता, ये हम आज देखेंगे अच्छे तरीके से। तो पहली चीज़ कि जब वेक्टर्स का जब बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वेक्टर्स है क्या। बेसिकली वेक्टर्स है क्या, तो मैं बता दूं कि हमारे आसपास में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, या मैं सिंपल बोलूं तो बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं। तो जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, दोस क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। दोस क्वांटिटी वे विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। एंड दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दैट इज अ स्केलर एंड अ वेक्टर। स्केलर से आप लोग पहले से जानते होंगे, जैसे कि मास, टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज फॉर विच ओनली मैग्नीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट। जिन क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और जिस क्वांटिटीज को अच्छे तरीके से बताने के लिए, टू गिव फुल इंफॉर्मेशन, इफ वी रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, देन दीज आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। तो स्केलर में क्या, ओनली मैग्नीट्यूड एंड हेयर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स कि अगर मैं कह रहा कि कोई जगह है जो कि मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, मैं अभी यहाँ पर हूँ और मैंने बोला कि मेरा स्कूल, फॉर एग्जांपल मेरा स्कूल 10 किलोमीटर्स दूर है, तो मैं कोई भी मेरे से ज़रूर पूछेगा कि ये 10 किलोमीटर्स तो दूर है पर किस तरफ है, क्योंकि 10 किलोमीटर्स का रेडियस में, अगर ये 10 किलोमीटर्स है तो इन रेडियस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते। ये भी यहाँ यहाँ से 10 किलोमीटर है, ये भी यहाँ से 10 किलोमीटर है, ये भी यहाँ से 10 किलोमीटर है, और इसी तरीके से इस सर्कुलर पाथ में हर जगह हर एक पॉइंट इस पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर है। तो मेरे को एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कोई जगह, स्कूल मेरे जगह से 10 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को कहना पड़ेगा कि वो नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी मेरे को, मैंने मालूम है कि मेरे तरफ से नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर दूर है, तो अब मेरे को उस स्कूल का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ गया है। तो किसी किसी क्वांटिटीज को शो करने के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। स्केलर में एग्जांपल्स में अगर मैं लूँ तो एग्जांपल में, जैसा मैंने बोला, मास मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर यूनिट क्यूबिक लेंथ, सॉरी वन पर यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी होंगे उसका मास वो होता है। या फिर टेम्परेचर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, दीज आर ओनली नंबर्स, दीज डजंट हैव डायरेक्शन। आगे अपन देखेंगे डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और भी बहुत सारे होंगे, जैसे जैसे अपन चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे वह वैसे वैसे स्केलर और वेक्टर आइडेंटिफाई होता रहेगा। तो यहाँ करते हैं अभी एटसेट्रा। वेक्टर्स में अगर मैं बात करूँ तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट।
displacement, velocity, acceleration, ये सब क्या है वो अभी थोड़े देर बाद, थोड़े दिनों बाद, ये जब चैप्टर फिनिश होगा, जब काइनेमैटिक्स अपन शुरू करेंगे तो ये सब देखेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो फोर्सेस आएगा। तो जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्केलर और वेब वेक्टर का नंबर्स बढ़ते जाएंगे एटसेट्रा। तो इतने सारे अभी तक मैंने एग्जाम्पल दिया स्केलर और वेक्टर का। सो दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज दैट कैन बी स्टडीड, दैट वी विल स्टडी इन फिजिक्स अंडर 11th एंड 12th सिलेबस। सो नाउ अब मेरे को मालूम पड़ गया चलो स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बट हाउ टू रिप्रेजेंट। अगर मैं वेक्टर को लिखूं कहीं पे तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए के ऊपर एरो, मींस ए इज सम वेक्टर एंड इफ इट इज वेक्टर इट इज शोन बाय एन एरो देयर। इट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड एंड द कंप्लीट वेक्टर ए विल बी दिस। डायग्राम में अपन वेक्टर को शो करते एक एरो से, सिर्फ ये एक एरो है जो कि इसका लेंथ तो ऐसे मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं करता है, लेकिन अगर जब दो वेक्टर्स का अगर डायग्राम ऐसा मैंने बनाया, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो आपको फिगर देख के मालूम पड़ जाना चाहिए कि जो ये जो ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है तो ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन बी वेक्टर। तो ऐसा डायग्राम में अगर कोई छोटा वेक्टर है या बड़ा वेक्टर है तो उसको शो करने के लिए उसका लेंथ छोटा बड़ा अपन कर सकते। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। दिस एरो इज कॉल्ड एज हेड, हेड ऑफ दिस वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड एज टेल ऑफ दिस वेक्टर। तो वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ फॉर्मूला और इन अ डायग्राम। इन अ फॉर्मूला वी रिप्रेजेंट एज ए के ऊपर में एक एरो, दिस रिप्रेजेंट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं डायग्राम में अगर किसी को करना है रिप्रेजेंट तो वी विल यूज एन एरो। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते और वो कितने तरह के होते। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द वेक्टर वी विल स्टडीड इन मैथमेटिक्स, दैट इज इन वेक्टर एंड 3D। फिजिक्स में कुछ कुछ का काम होता जो कि जिसका काम होता मैं यहाँ बता दूंगा, बाकी आप लोग मैथ में पढ़ेंगे। सो दीज आर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, इट इज गिवन एज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, या फिर कोई भी वेक्टर अपन के पास है वेक्टर ए है एंड वी वांट टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, देन व्हाट इज द कंडीशन। ए वेक्टर अगर कुछ इस तरह का दिया हुआ ए वेक्टर, देन दिस वेक्टर शोज that it has some magnitude and it is directed along this direction. So if you want negative of a means minus a vector, this will be having a magnitude just equal to a but direction will be just opposite. Magnitude same but direction is just opposite. This is negative of a. Having same magnitude but direction opposite. Next property is parallel shifting. Parallel shifting means if I have a vector, मेरे पास एक vector A है और मैं इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग करता हूं, मतलब पैरेलल शिफ्टिंग मींस इस वेक्टर को मैं पिक यहां से किया, मान लो ये एक वेक्टर है जिसका ये हेड है और ये टेल है, सो आई विल पिक दिस
वेक्टर और इसको पैरेलली कहीं पे जाके शिफ्ट करके प्लेस कर दिया मैंने। ये भी ए वेक्टर ही होगा अगर इसको पैरेलली शिफ्ट किया गया तो, मतलब किसी भी वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग के कारण उस वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। क्लियर है क्या? क्या है प्रॉपर प्रॉपर्टी? पैरेलल शिफ्टिंग डज नॉट इफेक्ट द वेक्टर, मीन्स कि उसका ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। जस्ट मैंने उस वेक्टर को यहां से पिक किया और पैरेलल कहीं जाके प्लेस कर दिया तो वो वेक्टर सेम ही होगा। वो थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, ओके, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटीज देन द प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो अ वेक्टर। सपोज देयर इज अ वेक्टर, थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। मैं किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करता, तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है पहले से और मैं इस वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आउटकम आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। जस्ट इट्स मैग्नीट्यूड विल बी चेंज्ड बट डायरेक्शन विल बी सेम। ओके, नाउ द फोर्थ टॉपिक, the fourth properties or the types, we can also say that type. This is the most important vector, that is unit vector, and we will use it in entire physics. Unit vector kya hai? Ke aise vectors jiske paas ek direction ho aur uska magnitude equal to 1 ho। मीन्स कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास और उस वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स्ड है बट हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। और ये कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर में एक कैप, दिस इज व्हाट कैप, ए कैप इज व्हाट? ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए, दिस ए कैप विल शो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो ये कैसे फाइंड होगा? मेरे पास कोई वेक्टर ए है और मैं फाइंड करना चाह रहा इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? जस्ट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ओके, सो कुछ लोगों के पास डाउट आ सकता है कि जब इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास जब ए वेक्टर था ही तो फिर मैं ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्यों फाइंड किया, क्यों कारण है इसके पीछे? तो कारण बस इतना ही है कि अगर मेरे को ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में है अगर मेरे को सिर्फ वो डायरेक्शन मालूम करना है तो मैं यूज करूंगा यूनिट वेक्टर को। Therefore, unit vector is only used to define a direction. Okay? किसी direction को specify करने के लिए just एक unit vector को use किया जाता है और unit vector किसी एक vector का unit vector find करने के लिए क्या करेंगे? A vector divided by magnitude of that A vector. Okay? क्लियर है क्या? और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आप लोग वो बोलोगे मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा तो फिर इसका फायदा क्या है? बट द प्रॉब्लम विल कम अहेड, थोड़ा देर बाद जब अभी आगे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इसकी क्यों जरूरत पड़ती है डिवाइड मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि अभी मैंने बोला कि इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। 1 तो है लेकिन फिर ये सब करने का क्या जरूरत है? तो इसका जरूरत बस इसलिए है क्योंकि मैं इस ए वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करना चाह रहा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते, ये सब थे टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज और टाइप्स और भी होते, और भी टाइप्स के होते, लेकिन अपन को फिजिक्स में ज़्यादा टाइप्स पढ़ना नहीं है, सारे के सारे मैथ से पढ़ने हैं, तो अपन यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन फिजिक्स का कहीं टॉपिक्स को क्लियर करते
चलेंगे और जो भी यूजेस में आएगा बाद में वो अपन यूज कर कर करते जाएंगे. नाउ द मोस्ट यू नो वन मोर टॉपिक इज देयर दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल सिस्टम. यू हैव हर्ड अबाउट एक्सिस इन क्लास 9th और 10th, जहां आपने सुना होगा कि कोई एक्सिस होता, एक्स एक्सिस होता, वाई एक्सिस होता और जेड एक्सिस होता. तो ये तीनों एक्सिस डिफाइन करते थ्री डायमेंशनल सिस्टम को. सपोज वी हैव अ रूम, मैं एक रूम में बैठा हुआ, तो किसी कोने के पास, किसी वर्टिसेस के पास जो तीन, मान लो ये एक मेरा एक रूम है, ये एक फ्लोर है मेरा जिस फ्लोर पे मैं बैठा हुआ हूं, तो इस कॉर्नर पे आप देखोगे तो इस एज से दीवाल ऐसा होगा, इस एज से दीवाल ऐसा होगा, तो यहां पे एक और लाइनिंग में मेरे को मिलेगा एजेस. दिस इज व्हाट एजेस. तो ये जो तीन एजेस है जो कि आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, ये तीनों एक्सिस का काम कर सकते हैं. तो मैंने क्या बोला कि एक्सियल सिस्टम इज अ सिस्टम जिसमें मैं किसी पार्टिकल का पोजीशन अच्छे से बता सकता कि वो कोई पार्टिकल इस दीवार से कितना आगे है, इस दीवार से कितना आगे है और जमीन से कितना ऊपर है, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को मिल जाएगा. अगर मैं बोलूं कि ये एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है जो कि जमीन से 5 मीटर ऊपर की ओर है, चलो ठीक है इतना मैंने मान लिया ऊपर की ओर है, लेकिन इस पूरे फ्लोर में 5 मीटर ऊपर बहुत जगह पे होगा, तो मैं एग्जैक्ट कैसे बताऊंगा, तो बताऊंगा कि ये जो व्हाइट बोर्ड है वो इस दीवार से 2 मीटर आगे है. चलो मेरे को एक और मिल गया कि 5 मीटर ऊपर और 2 मीटर यहां से आगे है, मतलब ये कुछ इसी जगह पे होगा. तो मैंने फिर बोल दिया ना कि इस दीवार से 1 मीटर आगे है, तो फिर मालूम पड़ गया कि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक फिक्स्ड पोजिशन पे है जो कि जमीन से 5 मीटर ऊपर है, इस वाले दीवार से 2 मीटर आगे है और इस दीवार से 1 मीटर आगे है, तो मेरे को एक एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ गया. तो ये एक्सियल सिस्टम इसीलिए यूज करते ताकि मेरे को किसी पोजीशन का और किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ जाए. तो अभी तक आपने अगर मालूम पड़ा होगा तो तीन एक्सिस होती है, एक्स, इसको ड्रॉ करता अच्छे से, सॉरी, एक्स Y and this is Z. Both X, Y and Z are all perpendicular to each other. X axis, Y axis and Z axis, all these three axes are perpendicular to each other. अब देखो कि अभी जो थोड़े देर पहले मैंने जो बकबक किया यूनिट वेक्टर्स के बारे में, वो यूनिट वेक्टर्स अपन यूज कर सकते हैं क्या एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को शो करने के लिए, वाई एक्सिस किस तरफ है और जेड एक्सिस किस तरफ है वो शो करने के लिए, क्या मैं यूनिट वेक्टर यूज कर सकता हूं? तो मैं बिल्कुल यूज कर सकता हूं. सो दीज यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ऑल द थ्री एक्सिस. सो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर which shows the direction of x-axis. This j-cap shows the direction of y-axis. And this k-cap shows the direction of z-axis. So we have the unit vectors I, j and k along the x-axis, y-axis and z-axis. This direction will be shown as i-cap, this will be shown as j-cap and this will be shown as k cap, and on these three directions will be originated from a origin called as origin having a coordinate 0, 0 and 0. What are these coordinates? I have used the word coordinate. So what are these coordinates? These are the positions of any point from x axis, from y axis and from z axis. That means in any point in an axial system is shown by coordinates. That is, the
पोजिशन ऑफ दैट पॉइंट इन द रिफरेंस टू ऑल द एक्सिस। इस पॉइंट से, इस ओरिजिन पॉइंट से वो कोई पॉइंट कितना एक्स की तरफ है, कितना वाई की तरफ है और कितना जेड की तरफ है, ये अपन शो करते कोऑर्डिनेट से। तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अगर ये आपको क्लियर है तो मैं फिलहाल इसे रब करता। कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैंने बोला सपोज टेकन एक्स एंड वाई एक्सिस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, टेक एक्स एंड वाई। नाउ वी हैव अ पॉइंट पी। इफ यू वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट देन वी विल हैव टू शो दैट दिस पॉइंट इज एक्स मीटर, इज एक्स यूनिट और मीटर और सेंटीमीटर और एनीथिंग एक्स मीटर फ्रॉम दिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से वो इतना दूर है, मतलब एक्स में उसका क्या दूरी है, जो भी ये होगा ये एक्स में ही होगा। सो इट इज कोऑर्डिनेट एज एक्स कॉमा। नाउ ये पॉइंट वाई एक्सिस की तरफ कितना आगे है इस एक्स एक्सिस से, मतलब इस ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ कितना है, तो कितना है, इतना दूर होगा क्या, बिल्कुल इतना ही दूर होगा, ये है वाई। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट पी, दिस पॉइंट पी इज एक्स यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन इन एक्स एक्सिस, वाई यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन इन वाई एक्सिस। सो नाउ वी हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट। Now, similarly, if we have all the three axes, that is x, y and z, then this point will have the coordinate in all the three system, that is x, y and also z. So, this point P is now how much away from origin in y axis, it is given by z. Sorry, I have rewritten z cap, this is k cap. So, these three are the coordinates of this point P from origin x, y and z. Now, for all you students, for all the students, I will ask one question, that is, and you will have to solve it and send me. So, suppose we have a cube. Each edge is of 1 meter. Suppose we have a cube here. So this is like a cube. अगर ये cube की तरह नहीं दिखाई दे, फिर भी ये cube ही है। ज़्यादा tension नहीं लेना कि ये cube की तरह दिख नहीं रहा, तो ये cube किस तरीके से हो गया? फिर भी ये cube ही रहेगा। Cube था और cube ही रहेगा। स्वतः। So this is a cube. Now, this edge is along x-axis, this is along z-axis, and this is along y-axis. Each edge is equal to 1 meter. Each edge means length, breadth, 1 meter. 1 meter and this 1 meter. So length bhi 1 meter hi hai, breadth bhi 1 meter hi hai, and this height is also 1 meter. So sare sides ka length hai 1 meter. Aapko find karna hai, find coordinates of each vertices. हमारे पास तीन वर्ट, सॉरी यहां पे कितने वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस आर देयर, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस, मींस कोना, ये वाला है, ये हमारे पास 8 है। तो 8 का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, मैं एक करके सिर्फ आपको शो कर रहा, बाकी आपको खुद करना है। मान लो टेक अ स्क्रीनशॉट हियर एंड नाउ सपोज मैं एक का मैं करके दिखाता कैसे होता। सपोज इस पॉइंट का मेरे को कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा,
ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ कितना आगे बढ़ा हुआ है, वाई की तरफ कितना आगे बढ़ा हुआ है और जेड की तरफ कितना आगे बढ़ा हुआ है, ये पॉइंट एक्स की तरफ कितना है, यहां से 1 meter, सो एक्स विल बी 1, ये पॉइंट यहां से कितना आगे बढ़ा हुआ, 1 meter, सो इफ दिस इज 1 meter, दिस इज ऑल्सो 1 meter, सो वाई विल बी ऑल्सो 1, जेड फॉर जेड, ये पॉइंट जहां पर है सेम पॉइंट ये वाला भी है, ये पॉइंट जिस जगह पे है ये वाला कोऑर्डिनेट भी वर्सेस भी उसी जगह पे होगा, तो ये वाला कहां पर है, 0, 0, 0 मींस कि ये वाला जो वर्टिसेस है वो वाई डायरेक्शन में जरा भी मूव नहीं किया, वो बिल्कुल जहां से जेड एक्सिस शुरू होता वहीं से है, और ये जेड की तरफ कितना आगे बढ़ा हुआ, 0, सो द जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0। सो ऐसे अपन करेंगे हर एक कोऑर्डिनेट का, अब लेफ्ट क्या हो गया सिर्फ 7, बाकी 7 का काम करना ये आपका काम है, बाकी सब आप करेंगे, इतना मैंने कर दिया। सो दीज आर आवर कॉल्ड एज, तो हाउ दिस इज हाउ वी डील विथ एक्सियल सिस्टम। सो आज अपन बहुत चीजें देख लिए, तो मैं बोलूंगा कि आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपन वेक्टर्स के आगे में जो भी है पोजीशन वेक्टर्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और जो भी वेक्टर्स में होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।